श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है ना, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है वैसे सत्ता के बिना सपा बसपा कांग्रेस के लोग तड़प रहे हैं। अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा, केवल उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 2024 से पहले यहाँ विपक्षी सब मिल करके कहते थे यह सेमीफाइनल है, तो वह सेमीफाइनल भी हारे हैं और फाइनल भी हारे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के लिए बहुत कुछ कह गए हैं। उनके पीडीए का मतलब उन्होंने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। ये भी कहा कि अखिलेश यादव अब कभी सत्ता में नहीं आने वाले, जिसके लिए कि वो मछली की तरह तड़प रहे हैं और तड़पते ही रह जाएंगे। चार राज्यों में चुनाव से हम लोकसभा का सेमीफाइनल जीत गए हैं और फाइनल जीतने जा रहे हैं। अब किसी दल का कोई गढ़ नहीं रहा, बदायूं रामपुर जैसे किले ढह गए, गढ़ है तो अब सिर्फ भाजपा का। मीडिया से बातचीत में ये भी बताया गया कि बरेली और आंवला लोकसभा सीट हम फिर से जीतने जा रहे हैं। आइए आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से रूबरू कराते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है ना, वो परिवार के डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में उसे जानिए। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वह कभी भी श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो परिवार है उस परिवार के बाहर सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अभी श्री मोहन सिंह यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और 2024 से पहले यहाँ विपक्षी सब मिल करके कहते थे यह सेमीफाइनल है, तो वह सेमीफाइनल भी हारे हैं और फाइनल भी हारे। कांग्रेस यूपी यात्रा निकाल रही है, वो यात्रा निकालने के लिए कोई दल कुछ कर सकता है? जैसे खाट पंचायत के बाद जनता ने खटिया खड़ी कर दी थी, वैसे उनका हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे अमेरिका में वोटिंग होती है वैसे होनी चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए थे तो उस समय उस प्रकार से वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग पर लांछन लगाना, चुनाव हारने का बहाना एडवांस में खोजना, यह सारे विपक्षी शुरू करेंगे अभी से। क्योंकि सत्ता के बिना, ये जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है वैसे सत्ता के बिना सपा बसपा कांग्रेस के लोग तड़प रहे हैं, भाजपा विरोधी तड़प रहे हैं, मोदी विरोधी तड़प रहे हैं, लेकिन जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है और देश के विकास के साथ है, देश को विश्वगुरु बनाने के साथ है, देश को पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, धारा 370 हट गई, अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को जो विरोधी कहते थे, हम लोग जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विरोधी एक ही बात कहते थे, ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 जनवरी को डंका बज रहा है, 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। गर्व की बात यह है कि शायद विश्व में कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल नहीं बना होगा जिसमें पूरे देश और दुनिया के राम भक्त हिंदुओं का योगदान हो। अयोध्या में बनने वाला जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर है उसमें लगभग हर राम भक्त का योगदान है, किसी का 125 रुपया होगा, किसी का 125,000 होगा। ये राष्ट्र मंदिर है, ये हर राम भक्त का मंदिर है और आने वाले अनंत काल तक इस पर देश और दुनिया के राम भक्त गर्व करेंगे कि यह मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं, हर राम भक्त का मंदिर। चूंकि राम भक्तों की, राष्ट्रभक्तों की सरकार है, सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में राम भक्तों पर लाठी चलाई जाती थी, गोली चलाई जाती थी, जेल भेजा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। शिव भक्तों की कांवर यात्रा पर रोक नहीं लगती है, भगवान कृष्ण के भक्तों की भी सेवा होती है। हमारा लक्ष्य भक्तों की जो समस्या है उसको दूर करना। धन्यवाद। मनोज झा ने कहा है कि अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया है आईएमएफ को कर्ज को लेकर, बढ़ते कर्ज को लेकर ट्वीट किया है कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ता जा रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा कि वह सत्ता के बिना बेचैन है और अब वो कभी सत्ता में आने वाले नहीं है, तो इस प्रकार के ट्वीट आएंगे। जब देश का अर्थव्यवस्था का आकार, मैंने कहा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था इस समय 5वें नंबर पर है, हमारे प्रदेश का योगदान जो जीडीपी पे इस समय है वह देश के दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारा राज्य आ गया है, 9% से अधिक योगदान देश की जीडीपी पे हमारा है। तो श्री अखिलेश यादव जी को अफवाह फैलाना, बरगलाना और बात करना पीडीए की और काम करना परिवार के लिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए, आंधी कहूं या सुनामी कहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपने से लिख सकते हो, लेकिन यूपी की 80 की 80 सीटें
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी चाहे यह बरेली सीट हो, चाहे आंवला हो, चाहे बदायूं हो, अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा, केवल उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है।